लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश का कहर सबसे अधिक कोकण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालात यह है कि पूरा कोकण इलाका बाढ़ की चपेट में है। रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश से बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार जहां सुस्त दिख रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने राहत और बचाव के लिए केंद्रीय आपदा कर्मचारियों को भी हेलीकॉप्टर से रवाना किया है। जाहिर है बाढ़ के हालात में एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने और सुरक्षित जगह पहुंचाने में मददगार बनती है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच अब महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हालत यह है कि चार दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र का कोकण इलाका पानी में डूब गया है। अगले 48 घंटों में और भी जोरदार बारिश और तूफान आने की संभावना जताई गई है। फिलहाल बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार जहाँ अपने स्तर से मदद कर रही है, वहीं अब इसमें हाथ बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को भी मदद के लिए भेज दिया है। सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए आज एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रही है, जहां लोग फंसे हुए हैं और आने वाले कुछ घंटों में ज़्यादा बारिश के कारण हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। बता दें कि दो दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों को कोकण क्षेत्र में जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया था। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे नाकाफी बताते हुए और ज़्यादा इंतजाम करने की मांग की है। अतिशय भीषण परिस्थिती कोकणातली पाहायला मिळते आहे। विशेषतः आता माध्यमातून जे काही बघायला मिळालं त्याच्यामध्ये आता साधारणपणे या वर्षभरातला तिसरा फटका आहे आणि भीषण अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। मला असं वाटतं की मागच्या दोन वेळेची मदतही कोकणवासियांना मिळालेली नाही, पण आता तर तात्काळ मदतीची आवश्यकता आहे। सरकारने त्यात लक्ष द्यावं आणि जेवढ्या टीम्स पूल करण्याची आवश्यकता असतील, जेवढे त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल, त्या सर्व उपाययोजना तात्काळ सरकारने कराव्या अशी आमची विनंती आहे। मागच्या दोन्ही वेळेची मदत घोषित झाली पण ती पोचली नाही आणि जी पोचली त्याचा क्वांटम हा अतिशय कमी होता। म्हणजे लोकांच्या तोंडाला पानं पुसणं ज्याला म्हणतात अशा प्रकारचा तो क्वांटम होता। आता आमची अपेक्षा एवढीच आहे की सरकारने ही परिस्थिती समजून घ्यावी, कारण एका विभागावर एका वर्षामध्ये तीन संकटं आल्यानंतर लोकांची परिस्थिती काय असेल हे समजून सरकारने मदत केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे आणि आम्ही ती लावून धरू। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।